नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। आज दिनांक 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस के मौके पर राज्य शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामपुर बघेलान की बैठक संरक्षक अभिलाष सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में सभी शहीदों के नाम 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यवाही प्रारंभ होते ही विजय कुमार मिश्रा एवं सुधा कोल द्वारा संविलियन पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष भाई शैलेंद्र त्रिपाठी के द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, किंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। यदि संविलियन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती तो जिला कार्यकारिणी की सहमति एवं मार्गदर्शन पर वृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। महिला मोर्चा अध्यक्ष शीला यादव क्रमोन्नत के संबंध में चर्चा की गई। जवाहर साकेत के द्वारा पुरानी पेंशन के लिए नई रणनीति पर चर्चा की गई। संगठन के अध्यक्ष मानव शुक्ला द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए संगठन के विस्तार के लिए संकुल अध्यक्ष एवं संकुल संयोजक की नियुक्ति करने की जानकारी दी। संविलियन पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि आगामी कुछ समय में संविलियन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होगी तो एक वृहद आंदोलन जिले स्तर पर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में हम अपने शिक्षक साथियों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। बैठक में कृष्णा शर्मा, प्रेमलाला दिनकर, अशोक कुमार शुक्ला, रमेश सिंह एवं रामजी प्यासी अपने विचार व्यक्त किए गए। बैठक में मुख्य रूप से रामसिया साकेत, शिवपति पाल, बामिक तिवारी, प्रदुम्न सिंह परिहार, शंकर दयाल शर्मा, ब्रिजमोहन स्वराज सिंह, प्रमोद कुमार साकेत, अभिनव सूर्यवंशी, रज्जन सोनी उपस्थित रहे। श्रीमती चंदा वर्मा एवं राघवेंद्र मिश्रा द्वारा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। सतना एमपी न्यूज का चैनल से संवाददाता ऋषिकेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। इस पर क्या आपने कभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापनोपन दिया है सर? हाँ, इस पर हमारे जो प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी जी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, किंतु आश्वासन के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ और आज तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि अभी तक संविलियन नहीं हो तो आगे की क्या रणनीति होगी सर आपकी? आज की इस बैठक में प्रमुख रूप से हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अनुनय विनय करने के पश्चात भी हमारे शिक्षक साथियों का संविलियन नहीं किया जाता तो जिला कार्यकारिणी की अनुमति और सहमत पर हम सब रामपुर के शिक्षक साथी एकजुट होकर एक बृहद आंदोलन करेंगे, जिससे शिक्षक साथियों का संविलियन करना होगा और जब तक उनका संविलियन नहीं हो जाएगा हमारा यह आंदोलन चलता ही रहेगा। थैंक यू।